तो भाई लोग कैसे हो? तो स्वागत है आपका एक और गेम प्ले वीडियो में। और भैया ये वाला मैच काफ़ी इंटेंस होने वाला है, ठीक है। इसमें मेरे जो टीममेट्स होते हैं वो मर जाते हैं स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग मतलब जल्दी मर जाते हैं, ठीक है। और अकेले मुझे सबको संभालना पड़ता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा बीच बीच में कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि होता नहीं हर बार। और मतलब कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ अच्छे से कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो बस भाई लोग अभी नोवो में आए हैं और बंदे उतरे हैं अपने अगल बगल ही, तो उन्हें पेलने की कोशिश करते हैं पहले, फिर देखते क्या होता है। एक कोई पास में दिया क्या तुमने? दो सेकंड थोड़ा बेस्ट से उठाते हैं भाई, ठीक है? तो भैया इस बंदे की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं था भाई पे, नेड लेके आया है, सुसाइड नेड करने की कोशिश की जा रही थी, पेल दिया गया। पर भाई बहुत नाइस, बढ़िया ट्राई यार, ट्राई तो किया उसने कम से कम। कहीं दुपक के छुप के बैठने से अच्छा भाई नेड ही कर लेता है ना, और थोड़ा बहुत कामयाब हो गया वो, उसने अपने आप को नेड कर लिया, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी एक किल कम हो गई, नॉक मैंने किया था उसे पर अपने ही नेड से मर गया, तो किल नहीं आई मुझे यहाँ पे। तो भाई बहुत बढ़िया ट्राई करने में क्या जाता है भाई, क्या पता वो दोनों को पेल देता हम में से, है ना। नॉक तो करता, कुछ तो करता, ठीक है, जो भी हो, नाइस ट्राई यार। तो मतलब गन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप मतलब छुप के बैठ जाओगे कहीं पे, कुछ नहीं करोगे खाली हाथ, ठीक है, और रुकोगे कि भाई बंदे भग जाएं या बंदे आपको छोड़ दें, ठीक है। गन नहीं है तो भाई मुक्कों से भी लड़ो, पर मतलब बिना फाइट किए मत मरो, क्योंकि बंदे छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है, कोई नहीं छोड़ता आजकल। बार अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या हो रहा था, शायद उसका टीममेट AFK था, तो वो उसको गन देने गया होगा, जो भी हुआ होगा भाई बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है, खुले में जाना अपने टीममेट्स के पास, और वो वहीं खड़ा का खड़ा रह गया, नॉक होने के बाद भी हिला नहीं, तो AFK था वो। और यहाँ पे अब एक बंदे को नॉक कर दिया है गाड़ी में, तो वो फंस चुका है, ठीक है। अब वो अपने टीममेट को बुला रहा होगा कि भाई आ जा, और अगर उसका टीममेट बिना स्मोक किए आया तो वो भी बहुत बड़ी गलती होगी भाई। मुझे Enemies सफारी की ahead. गोली है। तब हम हट रहा था भाई, हट बनी इधर ही कहीं है। पेड़ के पास था क्या कि वो उसी पीछे टिप थी? हाँ दिख गया, दिख गया, रिवाइव देने जा रहा है उसको। मेरे पास से 25 बची है DP में, और हेल्थ वैसे कुछ भी नहीं है। अब इस कंटेनर पे चल के या तो लूटते हैं या तो इनको लूटते हैं। शिवम कहाँ से भाई? जल्दी आना भाई, हेल्थ नहीं, तेज गोली बची। शिवम गन गिरा भाई, गन गिरा।
करा दे दी। भाई बस इनबॉक्स पे आ गए। तो अभी हम पे 2-3 बंदे रश कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, पीछे फॉल बैक करूँगा। क्यों? क्योंकि ऐसे कंटेनर में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है बीचों बीच में रहने से, और मतलब बंदे आपको घेर के मार सकते हैं, इसलिए पीछे आऊँगा मैं और फिर उन्हें मारने की कोशिश करूँगा। मुंह पे शॉटगन मारूंगा, नीचे से आ गया था। अबे केस टू हेल्थ गिरा, हेल्थ गिरा। लैग हो रहा है, कौन मोल्डी रोक लिया उन्होंने, रोक लिया। यहाँ पे मेरा दोस्त बिना बैकअप के घुस गया, ठीक है? मैं चिल्ला रहा था माइक तोड़ के अपना कि भाई रुक जा मैं आ रहा हूँ, पर किल की लालच आई और घुस गए अंदर, है ना? तो भाई अगर बिना बैकअप के घुस रहे हो तो याद रखना कि पेलना होगा तुम्हें, क्योंकि कोई है नहीं तुम्हें पीछे से बचाने के लिए, ठीक है? मारना ही होगा बंदों को। और अगर चाहते हो कि ऐसे ना मरो, पूरा गेम खेलना है, तो भैया टीम के साथ रश करो ताकि कवर तो मिले थोड़ा। शर्ट के पीछे गया, एक यहाँ पे और भी किल की ले रहा, रिवाइव कर रहा उसको। वहाँ पे कौन है, एक तुम्हारे पास रोटेट करके गया। तो भैया अब 1v4 को कैसे हैंडल करें, ठीक है? तो देखो, पहली बात, पैनिक मत हो, ठीक है? कोई वजह ही नहीं है यार पैनिक होने की, गेम खेल रहे हो भाई, असली ज़िंदगी में नहीं मर जाओगे यार, ठीक है? और पैनिक होने से कुछ अच्छा होता ही नहीं है, ठीक है? दिमाग काम नहीं करता ढंग से, बटन दबते नहीं, गलत बटन दब जाते, तो यार पैनिक क्यों हो रहे हो,
ठीक है, पैनिक मत हो पहली बात, और दूसरी बात यह है कि भाई पोजीशन चेंज करते रहो, क्योंकि अगर एक पोजीशन में आप किसी को नॉक करते हो तो उसका वो जो नॉक हुआ बंदा अपने टीममेट्स को बता देगा कि भाई यहाँ पे बैठा है, जल्दी आ जा। ठीक है, तो पोजीशन चेंज करते रहो और कोशिश करो कि मतलब घूम घूम के मारो बंदों को, ठीक है, एक जगह पे मत रहो बहुत देर तक। तो मैं वहीं पर रुक गया। ये तो शाम बाहर ही बैठा है। नहीं डील मत करो भाई, अभी दिक्कत हो जाएगी। हल्का सा भी बाहर निकले वो दे देगा। एक और डाल सकते हो? Fall back to safe zone. Fall back to safe zone. Fall back to safe zone. तो अभी मुझे नहीं पता मैं क्यों और कैसे बच के निकल जाता हूँ वहाँ से, पर मैं बच जाता हूँ। ठीक है, पता नहीं कितनी, 2% हेल्थ बाकी है शायद। और अब मैं यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है मेरे लिए कि भाई हील कर दो। मैं अभी शेक के अंदर घुसने की कोशिश कर सकता था, ठीक है, पर वो गलत डिसीजन हो जाता मेरे लिए। क्यों? क्योंकि कोई ऊपर लेटा हुआ है, अभी देखना शॉट्स आएंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि कार का कवर लेके हील करूँगा और तब घुसूंगा शेक के अंदर भाई। नेट डाल देगा, थोड़ा सा मत करो। तीन ही बंदा बच्चे में। वही एक बंदा बचा है। अब यहाँ पे बस एक बंदा बचा है, ठीक है, और जहाँ तक मुझे आइडिया है वो ऊपर की साइड है, क्योंकि वही था जो जब मैं लेट के हील कर रहा था मुझ पे फायरिंग कर रहा था ऊपर साइड। ठीक है, यूएमपी कुछ है शायद, सप्रेस्ड है बिल्कुल ही, कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, सप्रेस्ड यूएमपी बहुत ख़तरनाक है भाई, पता ही नहीं चलता भाई कहाँ पर है क्या है। ठीक है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको मतलब छुप छुप के खेलना है, कि मतलब आप चाहते नहीं हो कि आपकी पोजीशन रिवील हो जाए। ठीक है, लेट के खेलने की बात नहीं कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे मेरे पास जो भी कुछ है उसे यूज़ करूँगा
ताकि मैं जीत सकूं, ठीक है। पूरी जान लगा रहा हूँ यहाँ पे उस सांप से बचने के लिए, और सांप विद UMP, वो भी सप्रेस, भाई खतरनाक होने वाला है, मुश्किल होने वाला है थोड़ा ये। नो आइडिया। स्मोक करा के निकल। सही है, वहीं से नहीं डाया। जी, और यहाँ पे सांप का सफाया कर दिया गया है, ठीक है। तो चिकन डिनर का तो मुझे पता नहीं, पर खाने में सांप जरूर बनेगा आज। मज़ा आ गया भाई, 18 किल। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग वीडियो देखने के लिए। यार आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय। We'll be right back.